कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब लोग मेरी वीडियो को देखने अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त निकाल के। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और प्लीज़ उसको एंड तक लाजमी देखा करें। और मैं अपने चैनल में आप लोगों के साथ रिव्यूज़ शेयर करती हूँ, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रिव्यू, मेकअप के प्रोडक्ट के रिव्यू और इसके अलावा DIY शॉर्ट वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर किया करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताया करें अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं मेरे रिकमेंडेशन पर और कोई भी DIY यूज़ करते हैं। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ प्रोडक्ट वो है ज़ेफ्रॉन सीरम, ऑर्गेनिक ब्यूटी विला का ये सीरम है और इसकी पैकेजिंग लुक लाइक दिस और ये ब्लैक कलर की बॉटल में है। वो इसलिए कि जो इसमें ऑयल्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए हमेशा जो ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको डार्क कलर की बॉटल में शामिल किया जाता है। मैंने ये दो बॉटल्स यूज़ की हैं। फर्स्ट बॉटल मेरी जो आप लोगों को बता रही हूँ वो टोटल ख़त्म हो चुकी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि टोटल ख़त्म हो गई है। मैंने इसको यूज़ करने के बाद इसकी सेकेंड जो बॉटल है तब मैंने ऑर्डर की थी और सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूं। सॉरी, यूज़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ज़ेफ्रॉन के इसके अंदर स्टिक्स हैं कि आप लोगों को पता चले कि ये टोटल ऑर्गेनिक है। जब ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ की जाती है उसमें उसकी स्टिक्स लाजमी होती हैं। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है ना बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी है। आप लोग आप लोगों ने थोड़ी सी अमाउंट लेनी होती है सीरम की और इसको अच्छी तरीके से अपने हैंड्स पर लगा के अपने डैबिंग मोशन में अपने फेस के अंदर पेनिट्रेट करना होता है। और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और एक्ने की स्किन के लिए ही तो ये सीरम बना है, तो इसलिए एक्ने प्रोन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एक्ने को मज़ीद बढ़ने से रोकता है क्योंकि ज़ेफ्रॉन और ये एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। और मैंने इसको यूज़ किया है, मेरी स्किन पर जब पिम्पल्स होते हैं तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि मैं इसको अपनी डेली बेसिस पर नहीं यूज़ करती, जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन पर एक्ने हो रही होती है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, और जब मुझे डार्क स्पॉट्स का इशू हो रहा हो, जब एक्ने जो अपने डार्क स्पॉट्स छोड़ जाते हैं तो मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ। और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये सीरम, मैंने इसको ज़रूर यूज़ किया है और आप लोगों के साथ अपना ये आज का जो रिव्यू शेयर कर रही हूँ मेरा ये टोटल हॉनेस्ट रिव्यू है। आप लोग इसको ज़रूर पसंद कीजिए, अगर आप लोगों को पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।